छोटा सा लापरवाही कितना बड़ा जानलेवा साबित हो सकता है, आइए आप लोग को दिखाते हैं इस वीडियो पे, बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम जो है भागलपुर जिला अंतर्गत NH 80 पे है, जो कि भागलपुर से झारखंड को जोड़ता है, उसी रोड पे है। अभी उसमें रोड में काम चल रहा है और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं पलटी मारे हुए, ये करीब 30-40 फीट रोड ऊपर से नीचे भसक गया है, उसी पर से गिरा है, पुल पे है, वहाँ डेवरेशन बना था। लेकिन ये गाड़ी भैया सीमेंट लेकर आ रहा था, इनको पता नहीं था रोड में काम चल रहा है, नया रोड है, इसी कारण जो है ये किनारे से जाता था, खाली गाड़ी तो जा रहा था, लोड गाड़ी था ये, इसके जो है नीचे से रोडे ही भसक गया तो ये खड्डा में पलटी मार दिया तो इसमें सीमेंट था, सीमेंट जो है नीचे पानी में चला गया है और ड्राइवर खलासी सुरक्षित है, हल्का फल्का चोटे आया है और गाड़ी बिल्कुल है बर्बाद हो गया है, इसका जितना भी केबिन उबिन है नीचे वाला हिस्सा वो सब डैमेज हो चुका है। तो इसका टायर ऊपर चले आया है और इसका जैसे कि उल्टा हो गया है, तो इस गाड़ी में बहुत काफ़ी क्षति है और जान माल यानी कि और कोई तरह का दुर्घटना नहीं हुआ है, बस ड्राइवर भी सुरक्षित है और गाड़ी नुकसान हुआ है, माल खराब हो गया है, सीमेंट का बोरी सब भींग गया है और ये जो दलदली है इसी कारण जो है इस रोड में इतना बड़ा हादसा होता है। लेकिन ये रोड 1/2 है, लेकिन ये 1/2 था रोड, 1/2 है, बस इसमें जो है बस थोड़ा करेक्शन का खेल है, इसी वजह से इस रोड में जाम लगता है और नहीं तो ये रोड में जाम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो है 1/2 किया गया हुआ है। तो ये देखिए भाई साहब पिकअप जो है आ रहा है, पिकअप बस इसमें देखिए दलदली है, थोड़ा सा भी पिकअप पे कपड़ा लोड है और ये जो है माल इधरे जाएगा और वो रोड में आ रहा था, उसका जो है पिकअप का पीछे का चक्का बैठ गया तो वो भी बाल बाल बच गया पलटी मारने से। और रात में जो है धुंध काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगा हुआ था, इसी वजह से जो है इतना बड़ा जाम लगा हुआ है और जाम बहुत बड़ा है, रखिए भागलपुर से लेकर के वहाँ कहलगांव के आसपास तक जाम लगा हुआ था। रात हम लोग यहाँ करीब 12-1 बजे से इस जहाँ पे अभी हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे हम लोग जाम में लगे थे, रात करीब 11-12 बजे, वहाँ से चलते चलते अभी 8-9 बज रहा है और ये देखिए गाड़ी इसका चलते चलते ऊपर उठ गया है रोड से कितना देर, और पिकअप ड्राइवर को डर लगता है बहुत, जो गाड़ी हो ना हो पलटी मार देगा। इसमें जो है माल महंगा है, जीन्स और है, कपड़ा है और इसी कारण जो है इनको भी अब किसी तरह से देखते हैं कोई जुगाड़ करके इसको निकलवाते हैं, क्योंकि ये भी लीके पे है, ये हटेगा उसके बाद ही और गाड़ी जाएगा। तो इसका देखिए आप लोग इसके वीडियो बने रहिए। और इसके बगल में जस्ट ही बगल में ट्रक भी पलटी मारा है और यहाँ से जो है हम लोग जो है इसको क्लियर करके और निकलेंगे और आगे के दिखाते हैं आगे में भी कितना बड़ा जाम लगा है। और इधर पिकअप में सब आदमी सब लग के इसको चक्का को दबाने का कोशिश कर रहा है लेकिन दब नहीं रहा है, क्योंकि इस पर ओवरलोड माल है, कपड़े हैं लेकिन ओवरलोड है, हाइट बहुत है, इसी लिए उसका गाड़ी झोल मारा है, झोल मारने के बाद जो है गाड़ी टेपर हुआ है। और देखिए आपको नीचे से दिखाते हैं बारीकी से, देखिए कितना चक्का उठा हुआ है ज़मीन से, और पिकअप ड्राइवर को डर से जो है ना बुरा हाल उसका हुआ है। तो भैया इस तरह का रोड में ड्राइवर को मुकाबला करना पड़ता है, ऐसा ऐसा समस्या से मुकाबला करना पड़ता है, चोर डकैत लुटेरा सबसे बच के ही चलना पड़ता है, रोड से भी बच के चलना पड़ता है, क्योंकि रोड पे आए दिन ऐसे ऐसे घटना होता है, माल लूटा जाता है, ड्राइवर को मार के फेंक देता है, गाड़ी लूट लेता है, तो ये सब भी सावधानी है और बिहार में ये सब आम बात है, इस तरह का बात होते रहता है और बार बार होता है। रोड में जब 1/2 कर दिया गया है तो फिर कैसे गाड़ी इस रोड में चलता है, ये प्रशासन का काम है और इस रोड में करेक्शन का खेला है, अगर जो पाए दीजिएगा तो नहीं है 1/2, अगर नहीं दीजिएगा पाए तो हम लोग इस जो है टिपर से
इसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग विफल हो जाएंगे क्योंकि इसका खाली पिकअप है, टिपर है, तो धक्का दे नहीं पाएगा। तो देखते हैं, दो बार कोशिश करते हैं, अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो भाई हम लोग क्या करेंगे, जेसीबी मंगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको निकालने का। वो भाई पिकअप वाले को बोले थे टिपर वाले को तो घुमाने के लिए, तो देखिए इसका क्या क्या असर होता है। तो ड्राइवर के साथ आए दिन ऐसा ऐसा घटना घटते रहता है। तो दोस्तों, आप लोग से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप लोग जब भी गाड़ी चलाए तो थोड़ा धीरज से, समझदारी से और रोड का जानकारी लेते हुए गाड़ी चलाइए, नहीं तो इस तरह का घटना बार बार होता है और आप अपना भी कष्ट में डालिएगा, गाड़ी भी आपका कष्ट में चलेगा। इसीलिए जो है, आप लोग अपना जब भी रोड पे चले तो सावधानी पूर्वक चले। तो दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहते हैं, जो ये वीडियो जो है आपको ड्राइवर से संबंधित मोटिवेशन वाला वीडियो है, जो कि देख सकते हैं गाड़ी का कितना परेशान हम लोग हो चुके हैं इस गाड़ी को निकालने में, लेकिन हम लोग विफल हो जाएंगे और हम लोग जो है अब यहाँ से देखते हैं, नहीं निकला तो अब गाड़ी उसको भी घुमा के हम लोग जा रहे हैं और अपने गाड़ी के पास जा रहे हैं, क्योंकि अब मेरा भी गाड़ी जा रहे हैं, अब जाम इधर का क्लियर हो गया एक साइड का, अब इधर का गाड़ी बढ़ेगा। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो कितना बड़ा जाम है और हम जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास। तो आपको दिखाते हैं जो हमारा गाड़ी कौन सा है, और हम ज़्यादा पीछे नहीं है, बस थोड़ा ही पीछे हैं। आप देखिए गाड़ी का कितना बड़ा जाम लगा हुआ है और हम जो है इधर जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यही जो ढलैया हो रहा है इसी कारण जाम लग रहा है, क्योंकि वन वे हुआ है, रोड में काम चल रहा है, इसी वजह से ये देखिए इतना मोटा ढलैया किया जाता है, तो इसी वजह से जाम लग रहा है इस रोड में बार बार। तो हमारा गाड़ी इसके पीछे वाला गाड़ी है, तो आपको दिखाते हैं जो हमारा गाड़ी का लुक कैसा है, आप लोग वीडियो बने रहिए। हम कितना आगे गए थे देखने के लिए, जहाँ पे जाम लगा था, जाम लगने का कारण था वही गाड़ी जो पलटी मारा है और पिकअप जो रोड पे फंसा हुआ है, इसी वजह से जाम लगा हुआ था। तो फाइनली दोस्तों, हम जो है ये गाड़ी जो है, इस गाड़ी के पीछे मेरा गाड़ी है। तो दोस्तों, आप लोग जब से उम्मीद करते हैं, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों, ये मेरा गाड़ी वीडियो है, ये मेरा गाड़ी है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम अब निकलते हैं, आगे मैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं ये गाड़ी जो है सुबह 5 बजे धुंध में लड़ गया है गाड़ी, और ये रोड पे इसका देखिए क्या असर हुआ है रोड पे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जब भी गाड़ी चलाए सतर्क होकर चलाए, सावधानी चलाए, और धुंध लगे तो गाड़ी आप जो है साइड में खड़ा करके सो जाए। ठीक है दोस्तों, आप सबसे फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।